गाइज, आप सबको सावन की पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा हो गया है मेरा, और आज मेरा फास्टिंग भी है, तो कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया है। मुझे लकीली धतूरा का फूल मिल गया यहाँ पे, तो सॉरी, मुझे लकीली मेरे सोसाइटी में ये आग का फूल मिल गया, तो बहुत अच्छा हुआ। पूजा के लिए मैंने इसको चढ़ा लिया और आज कर रही हूँ मैं फास्टिंग। हाँ चीकू, एक मिनट। तो कुछ इस तरीके से सारा फूल वगैरह सब मैं सोसाइटी से ही लेके आई हूँ नीचे से, एंड पूजा पाठ कर लिया है, एंड आज है फास्टिंग। तो आप पूजा करने के बाद कुछ चाय शरबत पहले। नशा बाल गोपाल खा रहा है प्रसाद। मम्मा ने दो दो टीका लगा दिया ना नशा बाल गोपाल को। बाबा जुगू बाल गोपाल। और मैं भी खा के पूजा करके सबसे पहले काजू बर्फी ले लिया मैंने, मिठाई ले लिया, तो ये खा लूँगी। उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ पहले ही बना लिया था आज मैंने। और आज वैसे चीकू जाएगी आज पढ़ाई करने के लिए, सो आज मैं चीकू को ले ना। चीकू एक्साइटेड? चाय पियेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि मिल्क लाना पड़ेगा। तो जब मैं चीकू को ड्रॉप करने जाऊँगी उस टाइम में मैं जाके दूध भी ले आऊँगी, ताकि मैं चाय बना के पी लूँ। पूजा पाठ का सारा सामान मैं अलग रखती हूँ, मैं आप सबको दिखा दूंगी जब मैं फास्टिंग मैं स्कूल जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो। ऑल सेट टू गो पढ़ाई करने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करना चीकू। एक्साइटेड हो चीकू? नर्वस? पढ़ाई करना है? अच्छे से पढ़ाई करना, ओके? वॉकिंग कर रहे हो? ये क्या है? चीकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो सबके साथ है। जैसे ही उसने टीचर को देखा, वो उसने सबसे पहले बोला हाय टीचर, फिर मैंने बताया दूसरे बच्चे जो थे कि ये तुम्हारे फ्रेंड्स है, वो सबको विश करने लगी, हैंडशेक करने लगी, विच इज़ अ गुड थिंग कि वो घुल मिल पा रही है। एंड मैं आते वक्त अपने लिए मिल्क का पैकेट लेके आ गई, दो पैकेट मिल्क लेके आ गई हूँ मैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले चाय, मैं बनाने जा रही हूँ चाय। ये सारा बर्तन जो है ना मेरा पूजा पाठ का अलग रहता है, क्योंकि यूजुअली मैं वेज नॉन वेज सब कुछ एक ही में बनाती हूँ, इसलिए पूजा का बिल्कुल अलग रखती हूँ मैं। पूजा वाला बर्तन जो है ना कुछ भी मिक्स नहीं होता, और वो अलग से एक इंडक्शन दिया हुआ है मैंने। यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ, चीनी चाय पत्ती सब कुछ अलग रखा है, ग्लास रखा है, बस इतने ही बर्तन हैं, और एक दो प्लेट्स और ये सब कुछ है मेरे पास, लाइक वो चलाने वाला है नॉलर, बस उतना ही है। बट इसको मैं एकदम अलग रखती हूँ, जब भी मैं फास्टिंग वगैरह करती हूँ तब इसको यूज़ करती हूँ, तब इसको निकालती हूँ। बाकी फिर इसको सब धोने के बाद सब कुछ मंदिर में ही रख देती हूँ, मंदिर बड़ा है तो ये एक फ़ायदा होता है मेरे लिए। तो सबसे पहले दूध गर्म हो रहा है, मैं बनाऊँगी चाय, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आज साबूदाना, साबूदाना का खीर जो बनता है ना वो बनाऊँगी, मीठा वाला। तो देखते हैं, पहले वहाँ चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। वैसे मखाना भी रखा है, बट मखाना मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी तो फ़िलहाल चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं। हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खीर, तो यहाँ बनाने चढ़ा दिया है मैंने, इसमें साबूदाना भी डाल दिया है, तो बहुत कम डाला है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये दूध को ही पूरा जला लूँगी, और बाकी का थोड़ा दूध साइड में भी रख लिया, अगर बाद में चाय वगैरह पीने का मन करे तो, अदरवाइज दूध ही पी लूँगी मैं ऐसे ही। इज हैप्पी गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, इट वॉज अ कोचिंग दो। चीकू कैसा था आज का दिन? इधर देखो ना, चीकू हैज दिस क्यूट बैग। चीकू इधर देखो ना, बैग भी नहीं दे रही है ये मुझे, एक्साइटमेंट में। यस, डॉगी है ना, सो आपको मम्मा का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। काफ़ी फ्रेंडली थी अपने फ्रेंड्स के साथ, मैम से मैंने बात की तो शी वॉज टेलिंग मी की बहुत फ्रेंडली थी, बहुत अच्छा टाइम इंजॉय किया। मैंने इसको पूछा डिड यू क्राई और समथिंग, कल फिर आना है, शी इज़ एक्साइटेड, उसको कल भी आना है, दैट मीन्स इट्स गोइंग गुड एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। चीकू यस, चीकू खा रही है लॉलीपॉप। हाउ वाज योर फर्स्ट डे चीकू, अच्छा लगा तुमको? कल फिर जाना है ना स्कूल? ये गुड गर्ल, ओके।
तो ये है चीकू का फर्स्ट एक्टिविटी आज का डेट एंड पैटर्न डॉट्स। तो चीकू ने ये सारे डॉट्स बनाए हैं, ये सारे पेज में डॉट्स हैं। देन यहाँ टीचर ने बोला है स्लीपिंग लाइंस बनाने के लिए, विच शी हैज़ डन इट दिस वे। फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस, तो विच शी हैज़ डन इट हियर, एंड शी हैज़ गॉट वेरी गुड एंड दिस स्माइली। वाओ चीकू, प्राउड ऑफ यू, गुड गर्ल। शाम का पूजा हो गया है मेरा और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। चीकू डुगू दोनों खेल रहे हैं, उन लोगों को भी शाम का स्नैक्स वगैरह करा दिया है। तो यहाँ सब कुछ रेडी है मेरा, ये देखिए ये मैंने बना लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर दूँगी, थोड़ा दूध डाल के, इसीलिए एक्स्ट्रा दूध रख लिया था मैंने, तो इसको गर्म कर दूँगी और उसके बाद मैं खा लूँगी। फास्टिंग के बाद आज का डिलीशियस ब्रेकफास्ट जो मैंने बनाया है ऑफकोर्स, एंड बहुत ही टेस्टी है, तो अभी इसका मज़ा उठा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खाने में, एंड ऑफकोर्स फास्ट के बाद कुछ ऐसा चटपटा सा खाने का मन करता है, इसलिए मैंने छोले बना लिए विद आलू एंड इट्स सुपर ऑसम। awesome.